हे एवरीवन, सिल्की और मैं जा रहे हैं घूमने। बालिंगटन पे अभी हम लोग बालिंगटन चौराहे पे है अभी। चलो दिखाती हूँ मैं। यहाँ यही वाले ऑटो चलते हैं। सिल्की का मन हो रहा है नारियल पानी पीने का। पानी पी रही है। बहुत टाइम बाद पी रही हूँ, वन मंथ के बाद पी रही हूँ नारियल पानी। ओह ऐसा एंजॉय भी किया गया थोड़ा बहुत। अरे भैया कितना छोटा दिया है कर। Hey everyone, welcome back to your channel, परी एंटरटेनमेंट। What's up परिवार, आज हम लोग बाहर आ गए फिर से। आज मैं मिल गई हूँ सिल्की से और सिल्की और मैं आए हैं इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे। कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? यहाँ पे ये नवाबों का शहर है और इमामबाड़े की वजह से इसको, मतलब ये लखनऊ का सबसे फेमस इमामबाड़ा है। ये बड़ा इमामबाड़ा है, इससे छोटा इमामबाड़ा इससे थोड़ा आगे है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऑल टाइम रश भी रहता है बहुत और पब्लिक का आना जाना बहुत रहता है। फेमस प्लेस है, मतलब यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। चलिए आगे चलते फिर देखते है ना। चलो चलो चलते हैं। सामने बड़ा इमामबाड़ा बिल्कुल नजरों के सामने है। मेरी बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये इमामबाड़ा दिखाऊं, बड़ा इमामबाड़ा, और आज ही दिखाऊं, बट ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो बच गए हैं, 5 बज चुके हैं और बड़ा इमामबाड़ा इतना बड़ा है। चलिए एक सेकेंड, बात यह है दोस्तों कि 5 बज चुके। एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे मेरा फोन में जो वीडियो है उसकी आवाज चली गई। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इमामबाड़ा बंद होने वाला है
5 बज चुके हैं, 5:30 बजे बंद हो जाएगा और घूमने में कम से कम 2 घंटा लगेगा, तो इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो यही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई और आवाज़ चली गई है, तो इस वजह से मैं अब इसको वॉइस रिकॉर्ड करके आपको बता रही हूँ। तो हाँ, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे, वो सारी बातें चली गई हैं जो है। तो मेन बात यही है कि इमामबाड़ा हम आज नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अंदर जाने में, घूमने फिरने में पूरा 2 घंटा लग जाएगा, जो कि हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसलिए चलिए कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा बातें सुनाई दे नहीं रही हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हजरतगंज की, वो भी लखनऊ की शान हजरतगंज। साहू ये बहुत फेमस था, बन बन गए अब क्या? जनपद मार्केट इधर है, इधर जनपद मार्केट है। हाँ, जितना भी अगर लखनऊ आए हो तो हजरतगंज जरूर आओ, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपके शॉपिंग वॉपिंग के लिए, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सब मिल जाएगा। मोती महल काफ़ी फेमस है ये लखनऊ में, और यहाँ का खाना अच्छा मिलता है, ऊपर खाने का है ना, नीचे मिठाई मिठाई मिलती है, मिठाई विठाई है, फास्ट फूड है, मतलब हाँ एवरीथिंग। और देखो कितनी भीड़ लगी हुई है कोरोना टाइम पे भी। तो दोस्तों शाम हो गई है, 6 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है, सर्दियों का टाइम है इस वजह से, और हम लोग वापस आ गए हैं। इमामबाड़ा तो नहीं देख पाए, वहाँ से पानीपुरी खाते हुए हजरतगंज घूमते हुए
वापस आ गए हो, मैं जा रही हूँ घर की तरफ, वरना मेरे पापा ऐसा फोन कर करके मेरा बुरा हाल कर देंगे। तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से, ये सिल्की घर है, सिल्की घर के पास में हूँ मैं, सामने ही हूँ। सामान वामान मुझे लेना था घर के लिए, वो सब ले लिया है मैंने, और मैं बस घर के लिए निकल रही हूँ इससे पहले कि पापा का आतंक शुरू हो मैं घर पहुँच जाती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये रहा मंगल, ये रहा मेरा मंगल, छोटा सा बाबू। हेलो कर दो मंगल। हाँ, मेरा बाल खींच रहा है। अगर आप लोगों को मंगल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मंगल की और वीडियो चाहिए तो बताना आप लोग, बहुत सारी वीडियोस है मंगल की। मंगल की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और सिल्की देगी बना के और वीडियो। मैं वापस भी आ जाऊंगी तभी सिल्की देती रहेगी मंगल की वीडियो। देखो ये इसलिए वो हो रहा है ना कि ये बहुत देर से इसको छोड़ के गई हुई थी, इसलिए गुस्सा हो रहा है। अभी सिल्की इसकी मम्मी है ना, ये पहले दिन से इसको पाल रखा है ना सिल्की ने, तो इसलिए गुस्सा कर रहा है। मेरे बाल बदल मार दूंगी, मुझे डर लग रहा है। मेरा बाबू बहुत अच्छा हूँ, नींद आ रही है इसको, नींद आ रही है बेचारे को, बहुत नींद आ रही है इसको। नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते कर दो, नहीं मंगल नमस्ते करता, कर दो नमस्ते, ऐसे कर दो, कर दो सबको नमस्ते। बाय गाइस, चलो वो भी डर रही अपनी शैतानी कर रहा है। वाह यार मंगल, ए मंगल शांत है बेचारा।